आज दिनांक 16 फरवरी 2023 को तड़के भोर में थाना प्रभारी क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल के लिए गश्त कर रहे थे, तभी बैगुल नदी के किनारे उनको कुछ डॉकसों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर जब वो मौके पर पहुंचे तो कुछ डॉकसों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की, उसके कारण जो है दो बदमाशों को गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही बॉबी कुमार भी घायल हुआ है। जो घायल अपराधी हैं ये थाना हाफिजगंज के सातिर गौ तस्कर हैं, जिनका नाम मोहसिन और राशिद है। ये कस्बा सथल क्षेत्र के थाना हाफिजगंज के ही रहने वाले हैं और इनके ऊपर गौकसी तथा अन्य धाराओं में लगभग आधा आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। तीनों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। दोनों अपराधियों से कट्टा और कार्ट्रिजेस तथा गोकसी के सामान बरामद हुए हैं। शेष आवश्यक विधि कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।